भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गए तो दाग भी अच्छे हैं साबुन, चाहे सर्फ एक्सल हो या फिर हो घड़ी। इलाज तो बस न्यायालय का हंटर ही बचा है, जो कुछ कर पाया तो ठीक, वरना ठसक बरकरार और मड़क झकास। ये कहानी उस छुटवैया नेता की है जिसकी मड़क पिताजी की विधायकी के रसूख और सत्ताधारी दल की हनक के छाते के नीचे बदस्तूर जारी है। और बाकी बची पुलिस तो धृतराष्ट्र हो तो राजनीति की चौसर पर दबंगई और गुंडई का शकुनी बनने में किसी भी नेता को कितना समय कब लगेगा। छोटे नेताजी का खौफ इतना है कि बेचारा एक तो स्वयं ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका और दूसरे की कुंडली में राहु बन के नेताजी जीवन का काल सर्प दोष लगाने जा ही रहे थे। लेकिन बीच में बेचारा आ गया न्यायालय और उसके माननीय जज साहब, पीड़ित की सुन ली गई। नेताजी सादे कागज पे साइन करा ले, गुंडों से डरा दें, उगाही के लिए धमकी दे दें, पुलिस से फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश कर लें और आप सोचते रहिए केवल कि उत्तर प्रदेश में बदस्तूर रामराज जारी है। बहरहाल रामराज के कालनेमी की कहानी बेचारे पीड़ित की जबानी आप खुद ही सुन लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से देखिए ये विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है? गीता। कहाँ से आई हैं? मवाई से। थाना क्या है? थाना। क्या हुआ है? गोलू सिवारे और दिवेश वर्मा मेरे आदमी को 420 पढ़ा के या कुछ खिला पिला के 1.5 बीघा जमीन अपना लिया है, ना भी करा लिया है और दूसरे का भी बेच भी लिया है और खिला पिला के। मुझे कुछ जानकारी नहीं थी यहाँ। आपको कोई जानकारी नहीं थी? कुछ जानकारी नहीं। पति ने नहीं बताया आपके? मुझे पति ने बताया कि कहता था कि पैसा दे देंगे। तो मैंने बहुत कोशिश किया। मतलब कितना पैसा दिया है? खाली 20,000 रुपए दिया। 20,000 के अलावा। जमीन कितने की थी? जमीन कम से कम 1 करोड़ की थी हमारी जी। और कुछ नहीं। और जैसे मेरा पति कुछ कर बैठे इतनी बड़ी हंसा हो कर दी हमारे ऊपर, कुछ कर बैठे तो इन गोलू सिवारे और दिवेश वर्मा हंसेगे और इनों को मर भी जाएं, कुछ भी कर भी डाले, मार भी डाले, यही फंसेंगे। आपके पति को जान का खतरा है? जान को खतरा है। जहाँ भी होती है तो वहाँ धमकी, पैसा लेने जाते हैं कहते हैं तो बस धमकी मारने के लाने दिखाते हैं, हम मारेंगे या करेंगे वह करेंगे, दुनियादारी कहते हैं। और मुझे कुछ जानकारी थी, मुझे भी नहीं बुलाया कम से कम कि जमीन बेचते हैं अपनी पत्नी के लुआ लाओ, तो मुझे भी कुछ जानकारी नहीं। अब बताओ मेरे तीन ठो लड़का है एक ठो लड़की ही तो मर नहीं जाएंगे, बेमीज मर नहीं जाएंगे। आज कहाँ आई थी आप? आज तो आए हैं स्टेम मैडम के यहाँ, डीएम मैडम के यहाँ। मैडम से मुलाकात हुई? मिली मैडम? मैडम नहीं मिले हैं, मिले हैं डीएम सर से। क्या आश्वासन दिया सर ने? बस यही कहा है कि तुम्हारा आदमी को हाँ कर लिया, क्या हुआ दुनियादारी बता रहे थे, कहते हैं कि हाँ तुम्हारा पैसा हम नहीं दुला पाएंगे जमीन, बस इतना कह रहे थे। क्या चाहती हैं आप? मैं हम न्याय चाहते हैं। अगर आपका पैसा नहीं मिल पा रहा, आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगी? हम यहीं बैठ के मर जाएंगे, लड़का बच्चा लेकर यहीं मर जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, हम मर के मिट जाएंगे बस। अब हम देवी दिन कहाँ से आए? मवई। क्या समस्या है, क्यों आए हो? समस्या मेरी है कि मैंने अपनी जमीन दिवेश और गोलू को बेचा था। गोलू बोल रहे? गोलू राजकुमार शिवारे का लड़का। अच्छा अच्छा जी, विधायक का लड़का है वो। और इसने मुझको 27 लाख का बीघा की जमीन तय हुई थी, इसने जो है मुझे 20,000 रुपये देकर मुझसे रजिस्ट्री करवा लिया और इसके बाद मुझे कोई पैसा नहीं दिया। जब इसके ऑफिस गया, गाली और माल दे रहा था कि साले यहाँ आपको मारूंगा अगर आप पैसा मांगने आएगा, जहाँ कोई पैसा नहीं है। और इसने मेरी ज़मीन नाम अपने नाम करवा के दिवेश के नाम करवा दिया और उसको बेच करके ये मेरा पैसा हड़प कर लिया और गाली और मार दे रहा है, बोला जाओ जो साले करना कर लो। किसी ज़मीन है? ज़मीन मेरी 1.5 बीघा। 1.5 बीघा पूरी जी पूरी हड़प कर दिया, कोई पैसा नहीं दिया? कोई पैसा नहीं दिया मुझे। तो कहाँ तब की घटना है? ये घटना हो गई करीब 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से कहाँ चक्कर लगा रहे थे? हम सब यहाँ नहीं थे, चले गए थे बाहर। दिलासा दे रहा था, दिलासा दे रहा था हर महीने में कि मैं आप पैसा दे रहा हूँ, आप दे रहा हूँ। जब ऐसे ऐसे करके अपना समय बिता दिया, कोई पैसा नहीं दिया। उसके बाद क्या है, डीएम साहब के पास आए जी? क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब आश्वासन दे रहे हैं कि आप वहाँ जाइए कोर्ट, आप कोर्ट में जाइए, वहाँ से सुनाई होगी। आज कहाँ आए थे?
आज यहाँ SDM साहब के पास। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन ये दिए कि आप वहाँ जाइए कोर्ट पे, वहाँ पे आप अगर आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, अगर प्रशासन कोई नहीं साथ देगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? झगड़ा आंसन करेंगे, मरेंगे और क्या करेंगे, मर जाएंगे अपने लड़के बच्चे लेकर।